continuation of our communication series, today we are going to cover a very important topic, that is active versus passive listening. So in this video, we are going to understand the comparison between active listening and passive listening. So here I start. So the very first point at your screen right now, let me define what is active listening first, right? Active listening is a process. It is a process of transforming the thought or statement into a clear message with full-fledged involvement from the listener side. Active listening bahut zyada zaruri hai hamare day-to-day life mein. Bina active listening ke hum apni life ke koi bhi core ko effective nahi bana sakte. To ye ek tarike ka ek process hai. Isme jo bhi aap statement bolte hain, sochte hain, samajhte hain, usme listener ka bahut zyada involvement zaruri hai. Jaise main bhi aapko active versus passive listening ka comparison bata rahi hun. Agar aap active abhi aap agar aap dhyan se nahi sunenge, full of concentration aapka nahi hoga, to aapko samajh mein hi nahi aayega active versus passive listening kya hoga. राइट तो एक तरीके से ये प्रोसेस है जिसमें लिसनर का इन्वॉल्वमेंट होना बेहद जरूरी है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज पैसिव लिसनिंग. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंपली कंज्यूमिंग द मैसेज. हाउएवर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द लिसनर साइड. पैसिव लिसनिंग का मतलब है कि लिसनर वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है, वो सुन रहा है, लेकिन उसको वो समझ नहीं रहा है, उसको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है. उसने सुना और उसके दिमाग से वो बात ऊपर से चली गई क्योंकि उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है. लिसनर का इन्वॉल्वमेंट जिसमें होगा उसे एक्टिव लिसनिंग कहा जाएगा. जिसमें लिसनर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसे पैसिव लिसनिंग कहा जाएगा. ऑल राइट अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन की, दैट द प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी मच इंटरैक्टिव. अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड फर्दर नई क्वेरीज आती हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, तो इसका मतलब है वो प्रोसेस कैसी है, इंटरैक्टिव है, टू वे कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस में. दूसरा है पैसिव लिसनिंग में आप देखेंगे बहुत ही मैकेनिकल होगी, जस्ट फॉर द फॉर्मैलिटी. आपने सुना बट आपने इस बात को ध्यान में नहीं रखा और ना ही आपने कोई क्वेरी रेज करी, और तो वो आपको उस प्रोसेस में कहा जाएगा कि जो पैसिव लिसनिंग की प्रोसेस है, अगर आप पैसिव लिसनर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा क्या है, मैकेनिकल, एज लाइक द मशीनरी इज गोइंग ऑन, नो इमोशंस, नो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब हम बात करते हैं अगेन दूसरे बेसिस ऑफ कंपैरिजन की. अब देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लिसनर स्टिमुलेट्स द स्पीकर टू स्पीक अप हिज आइडियाज विलिंगली बाय डिस्प्लेइंग हिज हर इंटरेस्ट इन द कॉन्वर्सेशन. आप देखेंगे कि प्रोसेस जो एक्टिव लिसनिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें लिसनर हमेशा क्या रहता है, स्टिमुलेटेड रहता है. कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उस किसी भी उस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में. जो भी बातचीत की क्रिया चल रही है वो बहुत एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है. अब अगर आप पैसिव लिसनर जो होगा वो बहुत ज़्यादा बोर्डम फील करेगा, बहुत डिसइंटरेस्टेड उसके एक्सप्रेशन से आपको लग जाएगा. तो आप कहेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो एक्टिव लिसनर के होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं पैसिव लिसनर के. अब वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन में आपको बोर्डम नज़र आएगा और वो बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड है, उसको आपके उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा. राइट एक्टिव लिसनर क्या होता है, रिएक्ट वाइल लिसनिंग थ्रू हिज और हर वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल एक्सप्रेशन. आप देखेंगे एक्टिव लिसनर क्या करेगा, अगर अपने नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से अगर आपको सुन रहा है, दैट पर्सन इज गोइंग टू नॉड हिज और हर हेड, वैसे अपना सर हिलाएगा, आपसे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करेगा और आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, उसके फेस में आपको फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आ जाएंगे. लेकिन जो पैसिव लिसनर है वो बिल्कुल भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देगा, उसका फेस बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत सटल हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई भी एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा. राइट सो ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू लिसन विदाउट रिएक्टिंग, कोई भी रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा पैसिव लिसनर से. अब बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की प्रोसेस अगर चल रही है तो उसमें डेफिनेटली टू वे कम्युनिकेशन होगा ही होगा, लेकिन जो पैसिव लिसनर की जो प्रोसेस होगी वो हमेशा वन वे कम्युनिकेशन होगा, लिसनर कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देगा. तो पैसिव लिसनर में जो भी कम्युनिकेशन की
प्रोसेस होती है वो हमेशा ही इनकम्प्लीट होती है. इनकम्प्लीट होती है तो कम्युनिकेशन अब वहाँ पर फेल हो जाता है. फिर बात करते हैं कि फीडबैक एंड क्वेश्चन इज प्रेजेंट. आप देखेंगे कि एक्टिव लिसनिंग की प्रोसेस में हमेशा आपको फीडबैक मिलेगा और क्वेरीज वहाँ पर डेफिनेटली रहेंगी, क्योंकि क्वेरीज भी वही पूछेगा, वही रेज करेगा जिसने आपके कंसेप्ट को समझा है, आपकी बात को ध्यान से सुना है. पैसिव लिसनिंग में आप देखेंगे उसके पास उसकी कोई भी क्वेरी नहीं होगी और आपको फीडबैक देने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होगा. ऑलराइट, अब और बेसिस ऑफ कंपैरिजन देखते हैं. देखिए एक्टिव लिसनर क्या होता है, कंसंट्रेट्स, अंडरस्टैंड्स, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर. चार चीज़ें लिखी गई हैं कि एक्टिव लिसनर कंसंट्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, रिस्पॉन्ड करता है और उसको वो चीज़ें याद भी रहती हैं जो भी स्पीकर ने बोली हैं. ठीक, लेकिन पैसिव लिसनर में जो पैसिव लिसनिंग की प्रोसेस होगी उसमें ना ही उसका कंसंट्रेशन होगा, ना ही उसे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी और ना ही वो रिस्पॉन्ड करेगा और ना ही उसको फ्यूचर में आपकी कही हुई बातें याद रहेंगी. अब देखिए एक्टिव लिसनर को पहचानने का तरीका, आप उसके चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन, रोलिंग ऑफ आईज, एज वेल एज शोइंग इंटरेस्ट बाय क्वेश्चनिंग और स्माइलिंग ETC. तो आप देखेंगे कि इसमें नॉन वर्बल एक्सप्रेशन काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं एक्टिव लिसनर के केस में. आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एक्टिव लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत अपीलिंग लगेगी, वो आपकी बात को इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेगा. लेकिन पैसिव लिसनर की बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाएगी, यॉनिंग, उसे नींद आ रही है, वो जमाई ले रहा है, इधर उधर देख रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया है, बहुत डल फेस बनाया है, बहुत ज़्यादा बोर्डम हो गया है, तो ये पैसिव लिसनिंग में आपको दिखेगा. तो दिस इज़ द कंपैरिजन चार्ट दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एक्टिव वर्सेस पैसिव लिसनिंग. आई होप यू पीपल गॉट इट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.